बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्लम अली। डियर स्टूडेंट्स, इन टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द लेक्चर 7 द किंगडम सॉरी लेक्चर 1 चैप्टर 7 द किंगडम प्रोटिस्टा और प्रोटोपिस्टा द किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम प्रोटोपिस्टा। Dear students, just remember that already in chapter 5 we have studied the modern system of classification is 5 kingdom system of classification, in which the first kingdom is kingdom Prokaryote or Monera, in which we discuss the bacteria and cyanobacteria in chapter 6. So chapter 7 jo hai isme kingdom ab protista ya protocista jo aayega to bade jaise किंगडम प्लांटी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स कहते हैं, एनिमीलिया में पाए जाने वाले को एनिमल्स कहते हैं और किंगडम फंजाई वालों को फंजाई। इसी तरह से किंगडम प्रोटिस्टा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्ट के नाम से पुकारा जाता है। द किंगडम प्रोटिस्टा कंसिस्ट्स ऑफ अ वास्ट असॉर्टमेंट। वास्ट का मतलब लार्ज, असॉर्टमेंट का मतलब ग्रुप ऑफ प्राइमरीली एक्वेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इन ऑर्गेनिजम्स का अब हमने क्या कहना है, प्रोटिस्ट। ठीक हो गया। तो ये बड़े इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ आपको, पहला पैराग्राफ जिसका हेडिंग आप क्या बनाएंगे, इंट्रोडक्शन। तो जो है दिस होल इसकी पूरी किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो डाइवर्स होते हैं, यानी मुख्तलफ होते हैं बॉडी फॉर्म, बॉडी शेप में, रिप्रोडक्शन में और न्यूट्रिशन में। यानी कोई ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, कोई हेटरोट्रॉफ हो सकते हैं, कोई पैरासिटिक हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, अब्सॉर्टिक हो सकते हैं, इंजेस्टिव हो सकते हैं, सारे। ठीक है ना जी। एंड लाइफस्टाइल जो है उसमें भी, यानी दूसरे लोगों, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, एनवायरनमेंट के साथ इनके इनके इंटरेक्शन। तो बड़ा ये इंट्रोडक्शन इसके में ही एक फोर्थ पॉइंट है, ये नोट कर लीजिएगा। चैप्टर 5 में भी मैंने नोट करवाया था। ठीक हो गया ना जी। फिर दोबारा यहाँ पर नोट करवा रहा हूँ, रूल ऑफ एक्सक्लूजन। ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑर्गेनिज्म, वो तमाम ऐसे ऑर्गेनिज्म, मेंबर से मराद ऑर्गेनिज्म। आप किताब में लफ्ज़ मेंबर्स लिखा है लेकिन आपने इसका मतलब क्या समझना, ऑर्गेनिजम्स विच हैव डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनके पास दोहरी खसूसियात हैं। ठीक है ना जी। दोहरी खसूसियात के उनके अंदर प्लांट लाइक कैरेक्टर्स भी हैं, एनिमल लाइक कैरेक्टर्स भी हैं, उनमें प्लांट लाइक कैरेक्टर्स भी हैं, फंगस लाइक कैरेक्टर्स भी हैं, उनमें फंगस लाइक कैरेक्टर्स भी हैं और एनिमल लाइक कैरेक्टर्स भी हैं। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फिर हम किस किंगडम में रखेंगे, किंगडम प्लांटी में रखें, फंजाई में रखें, एनिमीलिया में, तो हम क्या करते हैं। तो और डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू किंगडम, यानी दो किंगडम्स के करेक्टर्स उनके पास हों, आर एक्सक्लूडेड, उनको जो है वो फ्रॉम देम, उनको अपनी उन्हीं दो किंगडम्स में से एक्सक्लूड कर दिया जाता है एंड आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा, और किंगडम प्रोटिस्टा में उनको रखा जाता है। ठीक हो गया। इसको क्या कहते हैं, रूल ऑफ एक्सक्लूजन, यानी बाकी किंगडम में से निकाले और किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिएगा जी। बड़े दूसरा पैराग्राफ है उसका हेडिंग आप बनाएंगे एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। भाई जितने भी प्रोटिस्ट हैव इवॉल्व, ये एक आइडिया है। देखिए एवोल्यूशन के ऊपर मैं खुद यकीन नहीं रखता हूँ, एक मफरूजा है, एक थ्योरी है। ठीक हो गया ना जी। तो ये एक आइडिया है, एक थ्योरी है कि प्रोटिस्ट जो है हैव इवॉल्व फ्रॉम प्रोक्रियोट्स, वो बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हुए हैं। ठीक है ना जी। जबकि अदर यूकैरियोटिक किंगडम्स लाइक प्लांटी यानी प्लांट्स, फंजाई यानी फंजाई एंड एनिमीलिया यानी एनिमल्स जो हैं अरोज फ्रॉम प्रोटिस्ट, वो प्रोटिस्ट से उनकी एवोल्यूशन हुई है। तो इस तरह से जो है ये प्रोटिस्ट जो है वो क्या करते हैं, जैसे जो है ना एक लिंक बन गए हैं, एक एवोल्यूशनरी लिंक, एक फलैटिक लिंक है। क्योंकि ये फॉसिल रिकॉर्ड जो है वो फॉसिल्स का जो रिकॉर्ड है, फॉसिल्स इनके प्रोटिस्ट के जो हैं और वो ये शो करते हैं कि ऐसा हुआ होगा कि बैक्टीरिया जो है वो इवॉल्व करके प्रोटिस्ट में और फिर प्रोटिस्ट से जो है वो बाकी तीन किंगडम्स के ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी पैदा हुई होगी। तो बेटा जी आपके पैराग्राफ इसमें कुछ ऐसे लिखे हैं, आर प्रोटिस्ट एंड आर यूकैरियोटिक,
जितने भी प्रोटेस्ट हैं वो यूक्रेटिक एंड हैव इवॉल्व फ्रॉम प्रोक्रियोट्स एंड अदर रीजन फॉर क्रिएटिंग ए सेपरेट किंगडम अराइज फ्रॉम द डिफिकल्टी इन प्लेसिंग सर्टेन यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स इन द अप्रोप्रिएट किंगडम. वही रूल ऑफ एक्सक्लूजन, जैसे दिस डिफिकल्टी इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फैक्ट. ये डिफिकल्टी क्यों है, क्यों ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं इस नेचर के अंदर जिनके पास डुअल करैक्टर्स हैं, तो बेटा जी वो इस वजह से है कॉन दैट दी अदर यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैव देयर एवोल्यूशनरी ओरिजिंस, कि बाकी जो प्लांटी एनिमीलिया और जो फंजाई हैं इनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके एवोल्यूशनरी ओरिजिंस यानी उनके इंसेस्टर्स, एक थ्योरी है, एक आइडिया है किसमें पाए जाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में. दी अदर यूक्रियोटिक किंगडम प्लांटी फंजाई एनिमीलिया रोज फ्रॉम द प्रोटिस, वो प्रोटिस से उनकी तुलना हुई है. अगला जो तीसरा पैराग्राफ है उसका हेडिंग आप बनाएंगे क्या जी, ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलर. ये ऑर्गेनाइजेशन में प्रोटिस क्या होते हैं यानी कि इनकी बॉडी की बनावट क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन से मराज बॉडी की बनावट. यूनिसेलर एक सेल वाले भी हो सकते हैं, कॉलोनियल, ठीक है ना जी, यानी एक 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 सेल वाले लेकर एक कॉलोनी बना के एक जगह पे इकट्ठे रहने वाले, ठीक है ना, या फिर सिंपल मल्टी सेलुलर भी हो सकती है. यूक्रियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन यानी इनके बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स पाए जाते हैं वो यूक्रियोटिक सेल्स हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस पाया जाता है, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, और जो है वो जितने भी यानी कि हमने चैप्टर फोर में प्लांट एनिमल सेल की ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी है वैसे ही करेक्टर्स इनके हैं. तो जो है बेटा जी यूक्रियोटिक सेल जो है वो एक यूनिक फीचर है, ठीक है ना जी, ऑफ प्रोटिस्ट एंड आर कॉमन टू जो है कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स, यानी प्रोटिस्ट में भी यूक्रियोटिक सेल पाया जाता है और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलर प्लांट्स एनिमल फंजाई उनमें भी पाया जाता है. तो बट क्लियरली डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ यूक्रियोटिक किंगडम मोंद्रा. और इस लेकर किंगडम प्रोटिस्टा के जो यूक्रियोटिक सेल की यानी कि जो सेल की ऑर्गेनाइजेशन है वो मोंद्रा से डिफरेंट है, ठीक है ना जी. तो अनलाइक प्लांट्स एनिमल्स हैव प्रोटिस्ट डू नॉट डेवलप, प्रोटिस्ट जो है डू नॉट डिवेल्प, डू नॉट फॉर्म ब्लास्टुला यानी एक एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो नहीं बनाते बल्कि जाइगोट से डायरेक्टली अगली जनरेशन का नया इंडिविजुअल पैदा होता है. प्रोटिस्ट देखें प्लांट्स जो हैं वो भी जाइगोट से एम्ब्रियो बनाते हैं, एनिमल्स भी जाइगोट से एम्ब्रियो बनाते हैं, लेकिन प्रोटिस्ट जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बनाते बल्कि जाइगोट से अगली जनरेशन का इंडिविजुअल डायरेक्टली जन्म लेता है जी. तो बेटा जी फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. तो सिंगल सेल प्रोटोजोन, इनको एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं, ये आपने प्रोटोजोन्स को अंडरलाइन करके उसके नीचे लिख देना है. यूनिसेलुलर एल्जी और फिर मल्टी सेलुलर एल्जी को अंडरलाइन करके उसके नीचे क्या लिख देना है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट. स्लाइम मोल्ड्स एंड ओमाइसिट्स के नीचे क्या लिख देना है, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट. तो अब ये हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव जो है यानी किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो किस तरह से जो है वो आज इसमें जो एनिमल्स जो सॉरी ऑर्गेनिजम्स हैं जो तरतीब दिए गए हैं वो उनकी हिस्ट्री क्या है, वो कैसे. तो बेटा जी पहले जो है वो जॉन हॉग 1867-61 में इसने जो किंगडम प्रोटिस्टा का पहली दफ़ा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. किंगडम प्रोटिस्टा किन के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है, ठीक है ना जी. एर्नेस्ट हैकल ने जो है वो फिर क्या किया, किंगडम प्रोटिस्टा में दो ग्रुप सब किंगडम्स बना दी, एक यूक्रियोटिक सब किंगडम और दूसरी जो है वो प्रोक्रियोटिक, ठीक हो गया ना जी. एक यूक्रियोटिक अर्नेस्ट हैकल जो है 1866 में सजेस्टेड दैट किंगडम प्रोटिस्टा टू इंक्लूड बैक्टीरिया, यानी 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने किंगडम प्रोटिस्टा में बैक्टीरिया को भी डाल दिया, यानी कि इस तरह से हुआ, प्लांट्स में से निकाला और बैक्टीरिया को प्रोटिस्टा में रख दिया, ठीक है ना जी. और उसके अलावा एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज यू दैट डिड नॉट फिट इनटू द प्लांट एंड एनिमल इन डुअल करैक्टर्स रखने वाले ऑर्गेनिजम्स को भी, ही हाउएवर सेपरेटेड द ब्लूरिन एल्जी एंड बैक्टीरिया फ्रॉम न्यूक्लिएटेड प्रोटिस्ट. दो अलग-अलग सब किंगडम्स बना दी ना जी किंगडम प्रोटिस्टा की, एंड सेपरेट ग्रुप्स ही कॉल्ड मोंद्रा विद इन द किंगडम प्रोटिस्टा. यानी इस किंगडम सब किंगडम थी, ये क्या थी, सब किंगडम मोंद्रा भी इसका नाम रखा गया, ठीक है जी. इसका नाम सब किंगडम यूक्रियोटी रखा गया, सब किंगडम. तो इस तरह से
हर्बर्ट कोप है, 1938 में उसने क्या किया, उसने कहा कि नहीं जी प्रोक्रियोट्स जो है वो चूंकि करेक्टर्स में बिल्कुल ही डिफरेंट है, इसलिए इनकी सब किंगडम की बजाय क्या होनी चाहिए, एक अलहदा किंगडम होनी चाहिए। और इस तरह से उसने हर्बर्ट पॉपलैंड ने जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में से किंगडम मोंद्रा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे यानी बैक्टेरिया एंड साइनोबैक्टेरिया थे उनको अलहदा करके उनकी एक अलहदा किंगडम बना दी। एलिवेटेड का मतलब है बढ़ाना, दर्जा बढ़ाना, सब किंगडम से बढ़ा के किंगडम का स्टेटस कर दिया गया। तो लेकिन 1969 में रॉबर्ट विटेकर जो है उसने क्या किया कि किंगडम प्रोटिस्टा में सिर्फ यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स ही रखे, ठीक हो गया ना जी, यानी कि वो जो कॉलोनियल थे और जो कॉलोनियल और जो सिंपल मल्टीसेलर प्रोटिस्ट थे उनको निकाल दिया और उनको जो है वो किस में रख दिया, किंगडम एनिमीलिया फंजाई और प्लांटी में रख दिया। लेकिन बेटा जी फिर एक दफ़ा करंटली दिस किंगडम आल्सो इंक्लूडेड कॉलोनियल एंड सिंपल, लेकिन आज भी हम इसको फिर करते हैं। मॉर्गोलस एंड शिवाज 1988 में मॉडिफाइड द फाइव किंगडम सिस्टम, प्रोटिस्टा और प्रोटिस्टिस्टा इज वन ऑफ द फाइव किंगडम्स। बेटा जी डाइवर्सिटी अमॉन्ग प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा के अभी इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टस पढ़ने के बाद आपको ये आइडिया हो गया होगा कि इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, अमेबा, पैरामेशियम, एल्जी वगैरह वगैरह, वो सारे जो हैं वो अपनी शेप, साइज, ठीक है जी, स्ट्रक्चर, मीन्स ऑफ लोकोमोशन, किसके पास फ्लैजेला है, किसी के पास फ्लैजेला नहीं है, किसी के पास सीरिया है, किसी के पास सूडोपोडिया है, ठीक है ना जी, और कोई जो वो जस्ट अपने यूनिसेलुलर सेल को जो वो फ्लेक्स करके कोई अपने फिलामेंट्स की मदद से ग्लाइड करते हुए मूव करते हैं, तो न्यूट्रिशन मोड न्यूट्रिएंट हासिल करने के अंदाज मुख्तलिफ हैं, कोई ऑटोट्रॉफ्स हैं, कोई हेटरोट्रॉफ्स हैं, जो हेटरोट्रॉफ्स हैं वो फिर कई तरह के हैं, इंटरेक्शन विद ऑर्गेनिजम्स, हैबिटेट भी मुख्तलिफ हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मुख्तलिफ हैं, इस तरह से। तो ये डाइवर्सिटी इज एग्जिबिटेड ऑल द मेजर प्रोटिस्ट ग्रुप्स, यानी जितने भी मेजर ग्रुप्स हैं ये हमने चार बनाए हैं, उन सब के अंदर यह वो डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी मुख्तलिफ करेक्टर्स पाए जाते हैं। अब बात काम की जो है वो ये सुन लें कि पॉलीफिलेटिक, इन सारे डिफरेंट करेक्टर्स की वजह से हम प्रोटिस्ट को कहते हैं कि जी प्रोटिस्ट जो है वो किसी एक बैक्टेरियम से पैदा हुए होंगे, नहीं, डिफरेंट प्रोटिस्ट डिफरेंट प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया से पैदा हुए होंगे। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे उन्हें जो है वो इस एलजी की तरह के जो प्रोटिस्ट हैं उनकी पैदा कर दी होगी, और जो नॉन हेटरोट्रॉफ बैक्टीरिया होंगे उन्होंने जो है वो ये जो प्रोटोजोन जैसे प्रोटिस्ट की पैदा कर दी होगी। तो इसलिए दे नॉट शेयर अ सिंगल, इसलिए हम कहते हैं पॉलीफिलेटिक ग्रुप, उसकी डेफिनेशन द प्रोटिस्ट डू नॉट शेयर ए सिंगल कॉमन एंसेस्टर, यानी दे हैव नॉट इवॉल्व फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्टर। मॉर्गोलस एंड शिवाज हैज लिस्टेड 27 फाइला ऑफ किंगडम के अंदर, देखें अगला ग्रुप क्या होता है, फाइलम, फाइलम का प्लूरल फाइला, तो इतनी डाइवर्सिटी की वजह से उनको इनके 27 फाइला बनाने पड़े। बड़ा जी कोई भी सवाल व्हाट्सएप पूछे लगा हम सबका, हमें ना सर, आमीन, शुक्रिया।